Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will see how to insert an image on a website. So, देखिए यहाँ पर दो तरीके से हम जो है insert image करते हैं. First one is that is internal image or you can say or external image. Internal image क्या होती है basically that image that you want to upload on the website that is already in your system. System in the sense on your desktop और यू नो लैपटॉप, तब वही फाइल जो है या वही इमेज आप यूज़ करना चाह रहे हो. एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल, दैट इज यू जस्ट वांट टू अपलोड सम इमेज ऑन योर वेबसाइट. आप इमेज कहाँ से लेते हो, लाइक सपोज इन गूगल से आप कहीं से एक इमेज है सेव करके वहाँ से उसका लिंक जो वहाँ प्रोवाइड कर दो. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल उसको कैसे हम इमेज को हम अपलोड करते हैं. सो देखिए डॉक्यूमेंट हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टैग. Then head, title का नाम देते हैं, how to insert image, first title clause and then head clause. ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं कि external image कैसे हम इसको insert करते हैं. So, open body tag and then open a tag that is image source. IMG stands for image and source. Source is means आपकी जो image की जो location है वो उसको basically track करता है. ठीक है, so image source equal to inverted comma open. Now suppose if you want to download or you can say an image from the Google. Now let's suppose stock market. So देखिए जैसे मान लो मैं ये एक इमेज जो है, तो let's इमेज काफी छोटी होगी, एक बड़ी इमेज ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने. ठीक है, अब इसका मैंने क्या करा, ये जो लोकेशन देखिए, इसको हम लोकेशन को यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके कॉपी कर देंगे एंड देन पेस्ट इट हेयर. कंट्रोल प्लस वी एंड देन इनवर्टेड कॉमा एंड देन क्लोज दिस टैग. ठीक है, सिंपल है. एंड देन जस्ट क्लोज बॉडी एंड देन क्लोज HTML. That's it. Now just press Control plus S. एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर एक हेडिंग भी देते हैं, H1 स्टॉक मार्केट. ठीक, नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड नाम देते हैं इमेज डॉट HTML. Save as type all files and then save it. So here is a file. Open with Google Chrome. So this is the our web page. देख सकते हो, देखिए title नाम देखिए how to insert image, title name आ गया, heading आ गया आपके stock market and then image source जो आपने अपने ये insert की है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, लाइक अलाइन इक्वल टू सेंटर, ये कर दिया. कंट्रोल प्लस एस एंड रिफ्रेश दिस. देखिए आपका स्टॉक मार्केट ही आ गया. इवन यू कैन चेंज द साइज ऑफ दिस इमेज. कैसे देखिए यहाँ पर आप आगे ही यहाँ पर विड्थ एंड हाइट आप यहाँ देख सकते हो. विड्थ इक्वल लेट सपोज इन पिक्सल में देते हैं, लाइक इन 300. Even we can also give height equal to again in pixel 300. This must be in inverted comma as well. Now press Ctrl plus S and refresh this page. See, the size of this image changed.
Now, if you want to change the align of this image, so देखिए यहाँ पर वैसे दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको जो है सबसे ईजी भी बता रहा हूँ। आप यहाँ पर इमेज सोर्स से पहले जो है एक टैग ओपन कीजिए, दैट इज सेंटर, ठीक है। एंड देन जब आपने इसको क्लोज किया था तो सेंटर को ही यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा लास्ट में सेंटर। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड रिफ्रेश दिस, नाउ दिस इमेज इज इन सेंटर नाउ, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट मेथड, दैट इज कि हम कोई इंटरनल इमेज को हम जो है कैसे इंसर्ट करते हैं इन वेब पेज। अब लेते हैं हम एक, सॉरी एक्सटर्नल लिया मैंने, अब इंटरनल पेज लेते हैं। सो इंटरनल क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग नाम देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है इसकी मैं ये चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कैसे चाहिए देखिए, सपोज इफ आई वांट टू यूज दिस इमेज तो क्या करना है, देखिए राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको जो इसकी लोकेशन है इसको आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस कंट्रोल प्लस ए, इसकी लोकेशन को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसके देखिए इमेज का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको ऐड करना है एंड देन डॉट जे पी ई जी, क्योंकि देखिए फाइल का जो फॉर्मेट है वो क्या है, जे पी ई जी है। देखिए कैसे करना है, पहले जो आपने लोकेशन उसको आपने कॉपी कर लिया होगा एंड देन कंट्रोल प्लस वी करके इसको पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद देखिए रिवर्स स्लैश एंड देन आपको जो है इमेज का देखिए आपका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने नाम दिया हुआ है फाइल को कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड देन डॉट जे पी ई जी, डॉट जे पी ई जी, ठीक है। मान लीजिए आपकी फाइल जी आई एफ में तो जी आई एफ लिखेंगे, ठीक है, जे पी ई जी में तो जे पी ई जी। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड देन लेट्स सी द इफेक्ट, रिफ्रेश पेज, नाउ हियर इट इज। सो दिस इज द वे ऑफ इंसर्टिंग इमेज, दोनों ही मेथड्स हो गए आपके, इंटरनल इमेज एज वेल एज एक्सटर्नल इमेज। थैंक यू।